नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टॉप इन्फो हिंदी में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो विड आई क्यू है वो आप आपके मोबाइल में ऐड कर सकते हो। कौन सा वाला ऐड कर सकते हो, जो पीसी और लैपटॉप में ऐड होता है वही मैं आपको बताऊंगा। इसमें आप सिंपल अपने एंड्रॉयड में ही ऐड कर सकते हो। कैसे ऐड कर सकते हो, पिछली वीडियो मैंने अप्लीकेशन के बारे में बताई है कि विड आई क्यू एक अप्लीकेशन भी है, ठीक है। अप्लीकेशन के माध्यम से भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। और इस वीडियो में मैं आपको स्पेशल बता रहा हूँ कि आप अपने जो विड आई क्यू है वो आपके एंड्रॉयड फ़ोन में ऐड कर सकते हो, और ऐड टू क्रोम, जैसा कि आप आपके यूट्यूब मतलब जो आपके लैपटॉप होता है, कंप्यूटर होता है, उसमें ऐड करते हो, ऐसे कैसे आप इसमें भी ऐड कर सकते हो। तो उसके लिए आपको सिंपल क्या करना है दोस्तों, आपको ना तो क्रोम में इंस्टॉल करना है और ना ब्राउज़र मतलब फायरफॉक्स में इंस्टॉल करना है। आपको सिर्फ क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाकर सिर्फ एक ब्राउज़र इंस्टॉल कर लेना, बस ये करना है। यह येनडेक्स करके ब्राउज़र है, ये ब्राउज़र देख सकते हो, मेन्यू देख सकते हो इसका, ये येनडेक्स ब्राउज़र है, ठीक है। ये आपको बस खाली इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल कर लेने के बाद अब आपको करना क्या होगा, उसके बाद आपको करना क्या है ये देख सकते हो। आप मेरा चैनल में आपको बता देता हूँ, ये देख सकते हो मैंने यहाँ पे क्या है विड आई क्यू इंस्टॉल कर रखा है, और ये जो ब्राउज़र है ये नीचे से ओपन होता है, ठीक है। इसके जो सर्च बार है वो नीचे से है ना, और यहाँ पे अगर आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पे आपको मैं उसको जूम करके बता देता हूँ आपको। यहाँ पे अगर आप ऊपर देखोगे तो मैंने देखो ट्यूब बडी भी ऐड कर रखा है ना, और यहाँ पे विड आई क्यू का ये मेनू देख सकते हो आप, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे इसको कोई भी वीडियो को ओपन करोगे तो आपको यह तीन टैग जैसे आपको सजेस्ट करेगा ये, और जो ट्यूब बडी है उसमें और इसमें काफ़ी अंतर है, काफ़ी बढ़िया है ये, ठीक है। अभी अगर मैं कोई भी वीडियो ओपन कर दूंगा तो कोई भी वीडियो के बारे में ये बता देगा। ये देख सकते हो विड आई क्यू मैंने ऐड कर रखा है और प्रॉपरली ये काम कर रहा है ना, और जैसे ट्यूब बडी भी मेरा इसमें काम कर रहा है, काफ़ी बढ़िया है ना। जैसे मैं अगर एक वीडियो को ओपन कर दे तो जैसे मैं ट्यूब बडी की मैंने ऑलरेडी एक ट्यूब बडी भी ऐड कर रखा है अपने मोबाइल में ही, तो आप भी इसको ऐड कर सकते हो। और पीसी में भी सिंपल ऐड करना और एक बार साइन इन कर लेना आपको आपके जो भी आपका चैनल है उससे बस, और बेसिक में आप इसको फ्री में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फ्री वाला भी काफ़ी बढ़िया है ये, है ना। तो ये अभी आप वीडियो ओपन हो रहा है, इसमें अब मैं आपको बताऊंगा कैसा क्या रहता है, ये आपको पूरी कंडीशन बता देता है आपके वीडियो के बारे में, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे वीडियो ओपन कर रहा है, जैसे मैंने ये वीडियो हमने ओपन कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें होगा क्या दोस्तों, यहाँ पे अगर आप नीचे रोल करोगे तो विड आई क्यू को यहाँ देख सकते हो, यहाँ साइड में विड आई क्यू का दिखा रहा है एक मेनू, है ना। और उसके बाद अगर आप इसको नीचे करोगे रोल तो यहाँ पे देख सकते हो थंबनेल जनरेटर, ठीक है। इसमें क्या है कि ये देख सकते हो ये विड आई क्यू का है और ये हमारा ट्यूब बडी का है, हमने दोनों एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखे इसमें ऐसे ही, है ना। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपको बताएगा कि आपकी जो वीडियो है वो कौन से कीवर्ड पर रैंक कर रही है ना। ये देख सकते हो यहाँ पे ट्यूब बडी है, मतलब इसने बता दिया ये 18 नंबर पर कर रही है, 22 नंबर पर कर रहा है ये वर्ड, और ये 16 पर कर रहा है, 20 पर, मतलब ये देख सकते हो यहाँ सारे कीवर्ड इसने बता दिए, है ना। ये किसने बताया है, ये बता दिया विड आई क्यू ने, और ट्यूब बडी भी बता देता है इसमें। अभी मैंने दोनों ऐड कर रखे तो ये अभी फ़िलहाल विड आई क्यू का ज़्यादा ओपन करता है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे नीचे देखोगे तो आपके जो कीवर्ड है खास, देखो रिकमेंडेड में यहाँ पे ट्यूब बडी थोड़ा सा टाइम लेता है और ये फटाक से आपको ओपन कर देता है, ठीक है। तीन वर्ड ये भी दे देता है, तीन कीवर्ड ये भी देता है, यहाँ पे देख सकते हो आप, सेम वही है जो आप अपने मतलब जो पीसी और लैपटॉप में यूज़ करते हो सेम वही है ना। यहाँ पे अगर देखोगे तो इसके ऑप्शन है, यहाँ देख सकते हो कीवर्ड है ना इंस्पेक्टर, इसमें कीवर्ड आप सर्च कर सकते हो, मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है। और यहाँ पे देख सकते हो तीन सजेस्ट में ये मतलब जो रिकमेंडेड में टैग दे देता है, और टैग की जो रैंक है वो भी बता देता है, काफ़ी बढ़िया है मतलब, ठीक है। जैसे कि 71% ये बता रहा है काफ़ी बढ़िया है, ये 70% है, और ये 63%, ये तीनों मैंने ऐड कर रखे ऑलरेडी, तो इसने बता दिया, इसकी रैंक भी बता दी कौन सा कीवर्ड हमारा कौन से पे रैंक कर रहा है, ये तो हो गया इसका, है ना। उसके बाद यहाँ इसको अपग्रेड के लिए बोल रहा है, कोई मतलब नहीं है, आप फ्री में यूज़ करें काफ़ी बढ़िया है, फ्री का ट्यूल ही काफ़ी बढ़िया है, दोनों ट्यूलों यूज़ कर सकते हो आप। अब इसमें होगा क्या, ट्यूब बडी के बारे में तो आपको पता ही होगा, और नहीं होगा तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, है ना। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे कोई कीवर्ड सर्च करना है तो कीवर्ड इंस्पेक्टर पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर देख सकते हो, इस पर अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो इसमें क्लिक करोगे तो सेम है, मतलब दोस्तों आपको इसका यूज़ समझना है तो आप कोई भी वीडियो देख सकते हो यूट्यूब पे, आपको फुल यूज़ मिल जाएगा इसके बारे में। ये था खास तो इसको इंस्टॉल कैसे करना है आपको वो मैं बता देता हूँ अभी। हल आपको सिंपल क्या है, कीवर्ड पे क्लिक करके आप यहाँ पे कोई भी कीवर्ड डाल सकते हो और उसकी हाई रैंक लो रैंक जो भी है वो बता देगा आपको। ये देख सकते हो यहाँ पे ओपन हो गया ऊपर। अब यहाँ पे आपको क्या कर देना, बस कोई भी कीवर्ड डाल देना, जैसे मान लीजिए कोई भी, मैं कोई भी कीवर्ड सर्च कर देता हूँ, मैं वापस क्लिक कर देता हूँ, बैक हो गया मैं यहाँ से, और आपकी जो वीडियो है उसका SEO भी ये बता देगा यहाँ पे साइड में, ठीक है। बहुत सारा मतलब पूरा यूज़ तो आप समझ सकते हो आराम से, YouTube पे आपको कई वीडियो मिल जाएगी कि विड आई क्यू का यूज़ कैसे करना है। फिलहाल ये इसमें ये था वीडियो में कि आप इसको ऐड कैसे करना है, वही ऐड करना है जैसा आप पीसी में ऐड करते हो, बस आपको क्या करना है ये ब्राउज़र के थ्रू काम करना है, आपका सब काम वैसे के वैसे ही होगा, कुछ भी नहीं अलग से आपको करना है,
यहाँ पे आप कोई भी कीवर्ड डाल सकते हो, आपके जो भी आप कीवर्ड सर्च करना चाहते हो कोई भी कीवर्ड यहाँ पे डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए हम कुछ क्या डालते हैं, जैसे हम यूट्यूब ही डाल देते हैं, यूट्यूब, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं ना, हमको सर्च करना है कि इसमें कितना क्या सर्चेस होता है यूट्यूब के बारे में समझ लेते हैं हम। जैसे तो मैंने यहाँ पे सर्च पर क्लिक कर दिया है आपके कीबोर्ड से ही, तो ये अभी आपको बता देगा पूरी तरह से कि इसमें कैसा क्या सर्चेस और क्या है, और वही है और सेम वही कंडीशन है, देख सकते हैं यहाँ पे। ये पूरा बता दिया दोस्तों इसने, मतलब चार कीवर्ड दे देता है ये, तीन एक खुद का देता है और तीन खुद के अलग से देता है पर्सनल। तो माय लाइफ ऑनलाइन ऐसा करके ये दे दिया यहाँ पे इसने, है ना। इसको जूम करके आप देख सकते हो इसको आराम से, है ना, जूम कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो, या पूरी कंडीशन आपको यहाँ पे इसने फिलहाल बता दिया अभी हाल। तो ऐसे ही देख सकते हो यहाँ पे इसने बता दिया कंपटीशन वेरी है, ये वेरी है, ये लो बता दिया उसने क्या है, और यहाँ पे आपको ये पूरी चीज़ें इसने बता दी सर्च वॉल्यूम की, है ना, और यहाँ परसेंटेज बता दिया इसने। तो ये इस टाइप से क्या है कि आप यहाँ पे से कुछ भी क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, और बाकी यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे इसने कीवर्ड और बता दिए। तो ये हो गया इस टाइप से, है ना, काफ़ी बढ़िया है ये। तो इस टाइप से आप इसका यूज़ कर सकते हो। अब आपको इसको इंस्टॉल कैसे करना है तो मैं आपको बता देता हूँ मैंने क्या इसे इसको इंस्टॉल करा था। सिंपल आपको क्या करना है, आपकी जो सर्च बार है होम है, होम पर आपको क्लिक करना है एक बार, या होम पर क्लिक करके आपको क्या कर देना है, यहाँ पे गूगल सर्च कर देना है। जैसे गूगल हम सर्च कर देते हैं तो ये गूगल सर्च करना है, आप वीड आई क्यू भी डायरेक्ट सर्च कर सकते हो, ठीक है। गूगल सर्च कर लेने के बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे मतलब यहाँ पे भी सर्च कर सकते हो आप वीड आई क्यू, वीड आई क्यू एड टू क्रोम या कुछ भी, मतलब जो भी दिखे कर सकते हो यहाँ पे। हम यहाँ पे वीड आई क्यू ही सर्च कर देते हैं डायरेक्ट। तो जैसे अगर हमने यहाँ पे किया वीड आई क्यू, वीड आई क्यू हम यहाँ पे सर्च करते थे और देख लेते हैं यहाँ पे। सिंपल वही है दोस्तों जो आपको, मतलब जो भी आप यूज़ करते हो अपने लैपटॉप पीसी में वही है, पूरा वही है, मतलब कोई अलग से कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हो एड टू क्रोम, मतलब आप इसमें क्रोम में ऐड कर सकते हो। मैं सिंपल इस पर क्लिक करके आपको बताता हूँ आपको करना क्या होगा उसके बाद। जैसे इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है, आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ देख सकते हो एक्सटेंशन है ना, यहाँ पे एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। जैसे आप ये एड टू क्रोम पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी जो आईडी आईडी सब बता देगा। और यहाँ पे देख सकते हो मेरा अभी रिमूव लिखा हुआ आ रहा है, रिमूव फ्रॉम क्रोम। अगर आप यहाँ पे ऊपर देखोगे अच्छे से तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ आएगा रिमूव टू क्रोम, या ऊपर रिमूव टू क्रोम लिखा हुआ आ रहा है ना। तो मैंने ऐड कर रखा है, और आपको क्या करना होगा यहाँ पे ऐड टू क्रोम बस कर देना है। और एक बार आपकी जो ईमेल आईडी है उससे आपको क्या कर देना है, साइन अप कर लेना है जो भी आपकी यूट्यूब चैनल है, और यह क्या होगा कि आपका ये ऐड हो जाएगा। अब अगर आपको इसको सर्च करना है, जैसे ऐड टू क्रोम नहीं आ रहा डायरेक्ट, तो आप यहाँ पे एक्सटेंशन पर क्लिक करके इसको सर्च कर सकते हो। हो गया, आप जैसे आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च बार में सिर्फ क्या है विट विट आई क्यू सर्च कर देना है बस। विट आई क्यू में अगर सर्च करता हूँ तो यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा, वही ओपन होगा जैसे कि ये देख सकते हो, है ना। और अगर यहाँ पे देखोगे तो मैंने क्या, अगर रेट इट मतलब रेट मांग रहा है मेरे से कि क्या है, आपको अच्छा लगा बुरा लगा, ठीक। तो आपको क्या है, जैसे कि यहाँ देख सकते हो एड टू क्रोम, एड टू क्रोम ऐसा ऑप्शन यहाँ पे भी आएगा आपका। तो यहाँ पे सिंपल आपको एक बार क्लिक कर लेना है और एक मिनट रुकना, आपको एक मिनट में आपका क्या है ये आपके मोबाइल में ऐड हो जाएगा। मतलब उसके बाद आप इसको कैसे चेक करना है, तो आपको यहाँ पे क्या कर देना है, थ्री डॉट है नीचे इस जो ब्राउज़र का, इसमें थ्री डॉट पर आपको क्लिक कर लेना है। थ्री डॉट पर क्लिक करके आपको यहाँ पे चेक कर लेना है नीचे एक्सटेंशन, यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ पे एक्सटेंशन पे आपको क्लिक करोगे तो आपके जो एक्सटेंशन है आपके मोबाइल में, ये देख सकते हो वीड आई क्यू है ना, ये ऐड हो चुका है, ऐसा आ जाएगा आपके सामने बस। उसके बाद आपको क्या करना है, चैनल आपको मतलब पूरा रिफ्रेश कर देना है इसको एक बार, और आपको आपके चैनल पर चले जाना है। चैनल पर चले जाने के बाद आपको क्या कर देना है, रिफ्रेश करना है, और यहाँ पर नीचे आपको क्या होगा एक ऑप्शन मिल जाएगा, उसमें बस आपको क्या करना है, वीड आई क्यू का एक ऑप्शन आएगा, उसमें आपको सिर्फ ईमेल आई डी डाल देना है आपकी, और आपका पासपोर्ट डाल देना है, और उसको साइन इन कर लेना है या फिर गूगल से डायरेक्ट साइन इन कर लेना है बस। उसके बाद ये आपके चैनल पर ऐड हो जाएगा, और आप जैसे देख सकते हो वैसे यूज़ ही होता है इसका। जैसा यूज़ आपको नहीं समझ में आया तो आप इसका यूज़ के बारे में समझ सकते हो, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिलेगी। तो मेरा था ये कि आप इसको कैसे ऐड करना, तो सिंपल ऐसा ऐड कर सकते हो आप। ये ब्राउज़र है, आप इसको अगर और कोई सी चीज़ में यूज़ करोगे, मतलब डायरेक्ट क्रोम में या फिर फायरफॉक्स में करोगे तो ये काम अच्छे से नहीं करेगा, पर इसमें काफ़ी बढ़िया वर्क करता है, इसके लिए इसका यूज़ इसमें कर सकते हो आप। तो दोस्तों ये थे वीडियो में, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।